हेलो दोस्तों, तो इस क्लास में हम लोग GCRT क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैं पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रश्नावली 1.2 का रहेगा। ठीक, तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। ये हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अगर आपको किसी और चीज़ का अगर क्लास चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उस चीज़ का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी 8 क्लास GCRT 8 मैथ प्रश्नावली 1.1 चल रहा है, तो ये कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक, आपका भी अगर सपोर्ट है तो अच्छी बात है। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। योज प्रतिलोम क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता दूँ योज प्रतिलोम होता क्या है। देखिए, योज प्रतिलोम जैसे कि 1/3 लिखा, वो 1/3 में माइनस तो नहीं है इसके पास। देखिए, तो आपके पास बहुत सारे तरीका हैं जिससे आप योज प्रतिलोम किसी भी संख्या का लिख सकते हैं। योज प्रतिलोम और ये दूसरा होता है गुणांक प्रतिलोम। तो देखिए, लिखने के अलग अलग तरीका है। बहुत लोग का मानना है कि जैसे 1/3 में माइनस नहीं लगा, माइनस लगा दीजिए तो ये इसका योज प्रतिलोम बन गया। कुछ लोग इसको अच्छी तरह से रूल के थ्रू फॉलो करते हैं। जैसे कि देखिए, 1/3 है तो 1/3 को हम लोग क्या करना है, जीरो बनाना है। जब अगर हम लोग को 1/3 को जीरो बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस 1/3 कर देंगे। तो ये जो माइनस 1/3 कर रहे हैं ना जीरो बनाने के लिए, तो यही इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा, माइनस 1/3। अब देखिए बी नंबर क्या है, बी नंबर में -5/9 है। -5/9 को जब आपको जीरो बनाना होगा, -5/9 को, तो क्या कर दीजिएगा, इस पर +5/9 कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ही हमेशा पहले जब लिखा जाता है तो प्लस को नहीं दिखाया जाता है, तो यहाँ पर आप इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए 5/9। याद रखिए, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस, जहाँ है वहाँ से माइनस हटा दीजिए और जहाँ माइनस नहीं है वहाँ लगा दीजिए। जैसे सी नंबर यहाँ देख लीजिए, -11 है तो यहाँ से माइनस हटा दीजिए, 11 इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा। अब देखिए, 9/-7 ये जो है ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को हटा देंगे, डी नंबर में माइनस को हटा देंगे, 9/-7 ये आपका योज प्रतिलोम हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए कि ये हम हटाए क्यों, क्यों इसको हटाए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर जो 9/ ये जो 7 है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इस ये माइनस में है तो इसको जीरो बनाना है, जीरो बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे 9/7, तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब कौन सा युग्म समृद्ध है, हाथ तो हम नहीं उत्तर दें, ये नंबर अभी आप क्वेश्चन लिखे हैं, तो इसमें ये समृद्ध है या नहीं है हमको बताना है। तो आप कैसे पता लगेगा कि ये समृद्ध है और कैसे ये पता लगेगा कि ये समृद्ध नहीं है, तो चलिए हम लोग इसको भी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी, आप आराम से इसको पहले भिन्न का जोड़ निकालो, वीडियो को स्किप करो और भिन्न का जोड़ निकालो। तब तक हम, अगर जिनको नहीं आता है वो वीडियो को देखते रहें, मैं भिन्न का जोड़ यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पर इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 और 4 का LCM निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। आप अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा, क्योंकि अगर इसी में बनाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एक और तरीका इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ईजी है। 2 को क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, +7 को 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पर भी फटाफट कर लेते हैं, 28 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को 7 से गुना कर देंगे, +4 को 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 8 +7 = 21, नीचे में 28 हो जाएगा, इधर में 7 × 21 +8 और नीचे में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखो ऊपर में क्या आ जाएगा, 29 मतलब 29/28, यहाँ भी 29/28
28, दोनों क्या है, दोनों एक परिमेय संख्या है। मैं आपसे पूछूं कि क्या दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होता है, लेकिन परिमेय संख्या भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, एक दूसरा धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना, तो परिमेय संख्या का रूल क्या कहता है, पी बाई क्यू होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 29/28 ये जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब 29/28 को क्या करते हैं, ये दोनों तरफ सेम है, मतलब दोनों परिमेय संख्या और दोनों धनात्मक परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि यह समृद्ध है, यह समृद्ध है। यहाँ पहले लिख दीजिए हाँ यह समृद्ध है, ठीक, ऐसे आप इसको लिख दीजिए, ये पहला कैंसर बन गया। देखिए हाँ, समझने के लिए 29/28 इधर भी 29/28 दोनों तरफ जब बराबर हो तो ये किस रूप में समृद्ध है, ये परिमेय संख्या के रूप में समृद्ध है और धनात्मक परिमेय संख्या के रूप में समृद्ध है। तो चलिए अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं और उसको देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को इसको ज़्यादा मत कर दीजिए एक बार, ठीक, कि समझ ही में ना आए। अब बी नंबर हम लोग बनाएंगे, नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, 5/9 + -6/11 और इधर में -6/11 + 5/9। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि जिनको भिन्न जोड़ आता है ना, वो वीडियो को थोड़ा स्किप करके चलिए, लेकिन ज़्यादा एक ही बार स्किप मत कर दीजिएगा। और भिन्न का जोड़ ऐसे में इसमें मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि भिन्न का जोड़ अगर बताने लग जाऊँ तो फिर क्या होगा, हमारा वीडियो जो है ना वो और लंबा हो जाएगा, एक तो ऐसे में लंबा हो जाता है, ठीक। तो उसके लिए अगर भिन्न का जोड़ अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक कमेंट आप नीचे जाकर कर दीजिएगा, मैं आपको भिन्न का जोड़ का वीडियो दे दूंगा, ठीक। इसमें क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। आप पीछे वाला वीडियो, पिछले वाला में थोड़ा सा मैं डिस्कस किया था भिन्न का जोड़ के बारे में थोड़ी देर पहले। यहाँ क्या हो जाएगा, 55 प्लस और अंदर में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग क्या डायरेक्ट माइनस, 6/9 = 54, इधर में वही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9/6 = 54 और प्लस 55। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात आ गई, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इधर में 55 - 54 क्या आ जाएगा, 1, नीचे में 99। यहाँ पर ये पहले में 54 है और बाद में 55 है, तो हमेशा आप याद रखिएगा प्लस माइनस जब आए ना, तो इन दोनों के बीच हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। किससे किसको माइनस करना है, तो याद रखिए बड़ा जो भी हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अभी प्लस वाला बड़ा है तो प्लस ही वाला रहना चाहिए, अगर माइनस वाला भी अगर बड़ा रहता है ना, तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह क्या चीज़ का देते हैं, माइनस का। यहाँ पर जब प्लस वाला बड़ा है तो हम लोग चिन्ह प्लस का, अब प्लस का चिन्ह आपको मालूम है कि प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/99। अगर आपको मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, अगर भिन्न का जोड़ अगर नहीं समझ में आ रहा हो, नीचे एक कमेंट जाकर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको उसका समझा दूँगा। पहले इसको समझते हैं। अब देखिए दोनों तरफ 1/99, 1/99, तो ये क्या है, ये भी समृद्ध है, हाँ यह भी यह समृद्ध है। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। क्यों है, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या है और दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है, बात सिंपल सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी नंबर, ये सी नंबर है। अब इसमें क्या है, इधर में 12/13 - -5/7 या -5/7 - 12/13, ठीक। तो इसको भी हम लोग फटाफट करेंगे सॉल्व, ऊपर नीचे हो गया क्या, नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं वही तरीका इस्तेमाल करूँगा, 13/93, एलसीएम निकालिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब क्या होगा, 12 को गुना कर दीजिए 7 से और यहाँ पर ये एक माइनस दे दीजिए, चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर माइनस डालते हैं। अब 5 को गुना कर देंगे 13 से, ठीक। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो एक कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक,
इसमें क्या करेंगे, 12 को 7 से गुणा कर देंगे, नीचे में 91। हाँ, अगर आपको भिन्न के जोड़ के वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक फटाक से जाके कमेंट में मार दीजिएगा, हाँ भैया हमको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हम भिन्न का जोड़ नहीं जानते हैं। बढ़ सकते 84 हो जाएगा माइनस 63। और 63 जब माइनस में होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसको प्लस बना देगा 91, ये 91 हो जाएगा। तेरह पच्चे 65, सॉरी 1300 हम कर दिए, यहाँ 13 65 होगा ना, सॉरी 13 65 65, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, बढ़ सकते 84 91 नीचे में। अब यहाँ पर ही क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो चलिए जुड़िए तो फटाफट से, 5 4 9 8 6 14 1 15 91। इधर में क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा, क्या आएगा माइनस में आएगा 159। अब दोनों क्या समृद्ध है, ये समृद्ध है या नहीं है, अब क्या जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा नहीं। क्यों नहीं भैया, क्यों ये समृद्ध नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है, बट ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या कैसे होगी, तो ये माइनस में है, ऋणात्मक धनात्मक प्राकृतिक परिमेय। अगर ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक काम करता हूँ, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस पर जाइए क्लिक कीजिए और जाके ये 8 क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर का मैंने पहला वीडियो डाला था उसको जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं यह क्या लिखेंगे यहाँ पर, नहीं यह समृद्ध नहीं है, ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये डी नंबर क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है -2, इसको भी फटाफट करते हैं, 39 इधर भी क्या हो जाएगा 39, यहाँ -2 को गुना कर दीजिए 13 से माइनस। हाँ भाई आप बीच में ब्रैकेट क्यों दे रहे, उसका एक खास रीजन है, क्या खास रीजन है भैया, कि ये कि मिलावट ना हो जाए ना जी, मिलावट ना हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बीच में ब्रेकर दे दे रहे, ताकि हम लोग अच्छे से समझ में आए कहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इस सब मैं बता दूंगा आपको। 13 2 26 -26 और 38 24, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +24, नीचे में क्या हो जाएगा 39, इधर में 38 24 -24 -13 2 26, इधर क्या हो जाएगा 39। चलिए अब इधर क्या आएगा 2/39, और इधर क्या आ जाएगा -50/39। दोनों तो ऐसे ही में आप बता सकते हैं कि दोनों परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है, ये धनात्मक परिमेय संख्या लेकिन ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात नहीं ये भी यह समृद्ध वृत्त नहीं है, ये भी आप लिख दीजिएगा, ठीक। तो क्या इसमें दो ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3-4 देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।